तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो जोनाथन नाम के एक ऐसे बंदे को जिसके पास गलती से एक ऐसा फोन आ जाता है जिसमें हर रात लड़कियां कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती हैं और फिर वो रात की सारी करतूतें साथ में करते हैं। इसी बीच जोनाथन को एक लड़की से प्यार हो जाता है और फिर उसी के थ्रू कोई उसे ब्लैकमेल करता है। ये सब कुछ हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। दोस्तों मूवी का नाम है डिसेप्शन और ये रिलीज हुई थी ईयर 2008 में। ये एक मिस्ट्री ड्रामा थ्रिलर हॉरर मूवी है जो कि आपको काफी पसंद आएगी। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर जोनाथन को। दोस्तों जोनाथन जो है वो एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता है और यहाँ पर दोस्तों उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जिस वजह से उसे अक्सर लेट नाइट काम करना पड़ता है। इसी चलते एक दिन जब वो लेट नाइट काम कर रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात होती है उसके ही कंपनी की एक सीनियर एम्प्लॉई व्हाइट से। आज व्हाइट भी लेट नाइट शिफ्ट में रुका हुआ था और वो अपने काम से काफी ज्यादा थक गया है, इस वजह से जोनाथन से बात करने के लिए आता है। और यहाँ पर जब ये दोनों साथ में बैठ करके बातें करते हैं तो ये एक दूसरे से काफी अच्छे से रिलेट कर पा रहे थे जिस कारण बहुत ही कम समय में इनकी एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप बिल्ड हो जाती है। ये लोग साथ में सुट्टा वगैरह फूकते हैं और फिर जोनाथन निकल जाता है अपने घर की तरफ। रात में अपने मेट्रो स्टेशन पर खड़ी होकर के वो जब अपनी मेट्रो के आने का वेट कर रहा था कि तभी उसकी नजर पड़ती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर। हालांकि जोनाथन उसे देखते ही पसंद कर लेता है पर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो जा करके उससे बात करे। पर फॉर्चुनेटली वो लड़की ही उसके पास आकर के मेट्रो की टाइमिंग पूछने लगती है जिस पर जोनाथन ने उसे टाइमिंग बताई और फिर से वो शांत खड़ा हो गया। दोस्तों ये सीन देख करके हमें समझ में आता है कि जोनाथन काफी इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है। कभी लड़कियों से उसकी ज्यादा बात नहीं हुई है और ना ही कभी उसकी ज्यादा लड़कियां फ्रेंड्स बनी है। खैर कुछ देर के बाद मेट्रो आ जाती है और ये दोनों ही मेट्रो पर चढ़ जाते हैं पर ये दोनों काफी दूर दूर थे इस वजह से दूर से ही बस जोनाथन उसे देख रहा था और वो हर अगले सेकंड अपने आप को मोटिवेट कर रहा था कि वो जा करके उस लड़की से बात करे। पर अनफॉर्चुनेटली उसकी हिम्मत नहीं आ पाती लेकिन वो मेट्रो स्टेशन आ जाता है जिस वजह से वो दोनों ही अपने अपने स्टेशन पर उतर गए पर भीड़ ज्यादा होने की वजह से जोनाथन उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाता। कुछ देर के बाद जोनाथन अपने घर पर पहुंच गया और यहाँ पर वो नोटिस करता है कि जो उसके घर की पाइपलाइन है वो लीक हो गई है इस वजह से सीलन बढ़ती जा रही है। अगले दिन वो व्हाइट और उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेलने के लिए जाता है जहां पर हम देखते हैं जोनाथन टेनिस का एक बहुत अच्छा प्लेयर है और उसके इस गेम से व्हाइट और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं काफी इम्प्रेस होते हैं जिसके बाद व्हाइट उसे अपने घर ले गया और यहां पर जोनाथन उसका घर देखता ही रह जाता है क्योंकि वो घर काफी बड़ा और लग्जीरियस था जिसे देखकर जोनाथन एक पल के लिए तो अनकंफर्टेबल हो गया। पर यहां पर व्हाइट उसे कंफर्टेबल करते हुए कहता है क्यों ना हमें साथ में क्लब चलना चाहिए। पर यहां पर जोनाथन के कपड़े इतने अच्छे नहीं थे कि क्लब के लिए वो जा सके तो व्हाइट ने उससे कहा क्यों ना वो उसका ही सूट ट्राई कर ले। और दोस्तों जब जोनाथन उसका सूट देखता है तो ये सूट भी काफी ज्यादा लग्जरियस था लेकिन व्हाइट के लिए पैसे फ्रेंडशिप से ज्यादा मैटर नहीं करते तो वो उससे कहता है कि वो चाहे तो इस सूट को अपने पास रख भी सकता है जिसके बाद के दोनों ही क्लब में पहुंच गए। और यहाँ पर क्लब में हम देख पाते हैं कि आज ये पहली बार हो रहा था कि जोनाथन को बहुत सारी लड़कियां भाव दे रही थी। व्हाइट ने उसे क्लियर किया कि ये सब कुछ उसके सूट की वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो कि अमीर लड़कों के लिए बैठी ही रहती है, बस उन्हें कोई अमीर लड़का मिल जाए वो तो उसे इम्प्रेस करने को तैयार ही है। खैर इतने में ही व्हाइट एक लड़की को कॉल करता है और उसके साथ वो निकल जाता है। यहाँ पर जोनाथन बस उसे देखता रह गया जिसके अगले दिन वो दोनों ही एक पार्क में मिलते हैं और यहाँ पर बातों ही बातों में व्हाइट ने उसे बताया कि वो कुछ काम के सिलसिले से इस कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है। कुछ देर के बाद व्हाइट अपना फोन लेकर के वहां से निकल जाता है और यहाँ पर जोनाथन बेचारा खाली बैठा था तो वो बैठा ही रहता है। पर कुछ देर के बाद जब उसने फोन नोटिस किया तो उसे रियलाइज होता है कि व्हाइट ने गलती से उसका फोन उठा लिया था। दोस्तों इन दोनों का फोन बिल्कुल सेम ही था, इस वजह से व्हाइट कंफ्यूज हो गया और उसने गलती से जोनाथन का फोन उठा लिया। यहाँ पर व्हाइट के फोन पे बार बार कॉल आ रहे थे और जोनाथन काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि वो उस फोन को पिक करे या ना पिक करे। काफी ज्यादा असमंजस में फंसे होने की वजह से और कॉल बार बार आने की वजह से जोनाथन कॉल को पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से एक लड़की उसे एक होटल का नाम बताते हुए वहां पर मिलने के लिए बुलाती है पर यहाँ पर जोनाथन उसे कुछ कहता इससे पहले
ही उस लड़की ने कॉल को कट कर दिया। जोनाथन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे बताए, तो वो उसके बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो लड़की उससे कुछ भी ना बोले उसे सीधा एक रूम में ले जाती है, और यहाँ पहुंच करके जोनाथन ने उसे बताया कि वो कुछ गलत समझ रही है, पर उस लड़की ने कहा कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेती है और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होते हैं। जिसके अगले दिन उसे वाइट का कॉल आता है और यहाँ पर जोनाथन ने उसे पिछली रात की सारी घटना बताई, जिस पर वाइट उसे बोलता है तो प्रॉब्लम क्या है डूड, एंजॉय करो जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। वाइट के ये कहने पर जोनाथन को भी हरी झंडी मिल जाती है, जिसके बाद वो उसके कॉन्टेक्ट में नंबर्स को देखने लगता है। दोस्तों यहाँ पर जो उन लड़कियों के नंबर थे वो उनके नाम के अकॉर्डिंग नहीं थे, बल्कि कुछ नंबर्स के अकॉर्डिंग लिखे हुए थे, जिस वजह से जोनाथन को किसी भी लड़की का नाम नहीं पता चल पाता, और वो आज की रात एक लड़की को फोन करके एक होटल में मिलने के लिए बुला लेता है। पर जब यहाँ पर वो होटल में पहुंचा तो वो एक ओल्ड लेडी थी, लेकिन जोनाथन ने उससे बुला लिया था और ठहरा बेचारा इंट्रोवर्ट टाइप, तो वो उसे मना नहीं कर पाता, जिसके बाद वो दोनों ही चले जाते हैं। और कमरे में पहुंच करके वो लेडी उसे और भी चीजों के बारे में बता दी है, जैसे कि ये लोग एक ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं जिसमें बहुत सारे रिच लोग अटैच हैं, और ये सभी लोग एक दूसरे की नीड को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहता, उन्हें बस अपनी नीड फुलफिल करनी है, जिसके लिए वो किसी भी नंबर को डायल कर देते हैं, और इसी वजह से कोई भी किसी के साथ अपना नाम नहीं शेयर करता, क्योंकि उसकी अपनी एक रेपुटेशन है। ऐसे में नाम या फिर उनकी पर्सनल डिटेल जानने पर उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। खैर इसके बाद ये दोनों भी वो सब कुछ करते हैं। जोनाथन को ये चीज काफी पसंद आई, जिसके अगले ही दिन से वो हर लड़की को फोन करके मिलने के लिए बुलाने लगा। यहाँ पर उसने कई सारी रातें ऐसे ही एंजॉय किया, और इसी चलते ही एक दिन वो जब एक लड़की को कॉल करके बुलाता है तो दोस्तों ये लड़की कोई और नहीं, ये वही लड़की थी जिसे उसने उस मेट्रो स्टेशन पर देखा था। पर जोनाथन उसे लाइक करने लगा है, इस वजह से वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, तो वो उसे होटल में ले जा करके वहां पर उसके लिए खाना वगैरह ऑर्डर करता है, और ये दोनों साथ में खाना खाते हैं, बातें बातें करते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की उसे अपना नाम नहीं बताती। अब दोस्तों इस पूरी मूवी में उसका नाम रिवील ही नहीं किया गया, तो ऐसे में हम उसका कोई भी एक रैंडम सा नाम रख लेते हैं, लेट्स उसका नाम हम जेरी रख देते हैं। तो यहाँ पर जोनाथन जेरी से बात करते करते उसे रिक्वेस्ट करता है क्या उसके साथ वो डेट पर चल सकती है, पर दोस्तों जेरी इसमें खास कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। एक्चुअल में जेरी ने ये सब कुछ बस अपनी नीड पूरी करने के लिए किया था, और जोनाथन ने वो चीज की ही नहीं, इस वजह से उसे खास यहाँ पर मजा नहीं आ रहा, तो वो उसे ये बोल करके टाल देती है कि इसके बारे में मैं तुम्हें कल बताऊंगी, जिसके बाद वो दोनों ही साथ में सो जाते हैं। और अगली सुबह जब जोनाथन सोकर उठा तो वहां पर जेरी नहीं थी, उसने एक नोट छोड़ा जिसमें वो उसे बताती है कि वो काफी अजीब तरह से कराटे लेता है। जोनाथन को ये पढ़कर काफी हंसी आई, जिसके बाद वो पूरे दिन जेरी के कॉल का वेट करता रहता है। वेट करते करते रात हो जाती है, पर फॉर्चुनेटली रात में उसे जेरी का कॉल आ गया, जिसके बाद वो उसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। और यहाँ पर जब ये दोनों साथ में बैठे थे तो हम देख पाते हैं जेरी जोनाथन से बिल्कुल अलग है। एक तरफ बेचारा जोनाथन जो बहुत शाई है, अकेला रहता है, दूसरी तरफ जेरी है जो लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहती है, वो नई नई चीजें ट्राई करना चाहती है, रिस्क लेने के लिए हमें रेडी रहती है, और भी बहुत सारी चीजें जो कि जोनाथन से बिल्कुल विपरीत है, और इस वजह से जोनाथन उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है। खैर अपनी डेट कंप्लीट करके ये लोग एक बार फिर से होटल रूम में पहुंचते हैं, और यहाँ पर बातें करते करते जब इन लोगों ने पीने का प्लान किया तो जेरी बोलती है कि अरे हम लोग तो आइस लाना भूल ही गए, तुम थोड़ा वेट करो मैं नीचे से जाकर आइस लाती हूँ। पर यहाँ पर जोनाथन एक जेंटलमैन की तरह उससे बैठने बोलता है और कहता है कि तुम बैठो बस मैं अभी आइस लेकर आया, जिसके बाद वो नीचे गया आइस लेने, और आइस लाते लाते उसे थोड़ा सा लेट हो जाता है। पर जब उसने अपने होटल रूम का दरवाजा खोला तो उसके अंदर वो देखता है सारी चीजें उथल पुथल करी भी पड़ी थी, बेड पर ब्लड भी भरा हुआ था, और वो कुछ समझता है इससे पहले ही पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो बेचारा नीचे गिर गया। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है पूरे होटल रूम की सारी चीजें बिल्कुल वेल परफेक्ट अपनी जगह पर रखी हुई है। यहाँ पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हुआ, वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करता है, उन्हें बुला करके सारी घटना के बारे में बताता है। पर जब पुलिस ने उससे उस लड़की का नाम पूछा तो जोनाथन उसे कुछ बता ही नहीं पाता, क्योंकि उस लड़की ने अपना नाम उससे बताया ही नहीं था, और पर्सनल डिटेल के बारे में पूछा तो भी बेचारा जोनाथन शांत था, जिस पर पुलिस ऑफिसर को लगता है शायद जोनाथन मेंटली रूप से कुछ कमजोर है, तभी वो ऐसी बातें बता रहा है। तो वो उसे सजेशन देती है कि चलो फिलहाल हम केस नहीं रजिस्टर कर सकते, पर
तुम चाहो तो मेरा नंबर रख लो, अगर अगली बार तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे तो तुम मुझे कॉल करके बता सकते हो। इन सब चीजों से परेशान होकर के जोनाथन वाइट को कॉल करने की कोशिश करता है, पर वाइट का तो कॉल लग ही नहीं रहा था। काफी सारी कोशिशों के बावजूद भी जब उसे वाइट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो ऑफिस जाकर के वाइट का दूसरा नंबर निकालने की कोशिश करता है, पर ऑफिस पहुंचकर उसे पता चला कि वाइट नाम का कोई बंदा तो ऑफिस में काम ही नहीं करता। वो उन्हें दोबारा चेक करने के लिए बोलता है, पर वो लोग बिल्कुल श्योर थे कि वाइट नाम का कोई बंदा उनके ऑफिस में काम ही नहीं करता, जिसके बाद वो काफी परेशान हो गया और तभी उसे वाइट का घर याद आया। वो वाइट के घर जाता है उससे मिलने के लिए, पर यहाँ पर वाइट के घर पे तो कोई एक और ओल्ड लेडी थी जो उसे बताती है कि वो तो यहाँ पर काफी समय से रह रही है और वाइट नाम के किसी भी बंदे को वो नहीं जानती। इन सब चीजों से परेशान वाइट जब अपने घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वाइट तो उसके घर पर ही है, उसका वेट कर रहा है। यहाँ पर वाइट उसे देखते ही पंच मारता है और उसे बैठाल कर बताता है कि उसने ही जेरी को किडनैप किया है और अगर वो जेरी को जिंदा दिखना चाहता है तो उसे वाइट का एक काम करना पड़ेगा। वाइट उसे बताता है कि अगले मंडे उसका प्रमोशन होने वाला है और तब उसके पास उसके ऑफिस के कुछ और अकाउंट्स के भी एक्सेस मिल जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ क्रिमिनल्स के नाम बताऊंगा जिनके अकाउंट का एक्सेस तुम्हें मिला होगा, तुम्हें बस उन क्रिमिनल के अकाउंट से पैसे निकाल करके मेरे अकाउंट में डालने होंगे और तुम फिक्र मत करो, वो क्रिमिनल है, उनका पैसा भी ब्लैक मनी है तो वो कहीं भी शिकायत करने नहीं जाएंगे। वाइट को इन सभी कामों से बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो एस के प्यार के लिए सब कुछ करने को रेडी हो जाता है। खैर वाइट तो वहां से चला गया, लेकिन उसका फोन अभी भी जोनाथन के पास था और तभी उसे एक SMS रिसीव हुआ जिसमें एक लड़की ने उसे मिलने की रिक्वेस्ट की थी और मैसेज में लिखा हुआ था कि पिछले 6 महीनों से वो उससे मिलने नहीं आया, तो प्लीज आज के दिन वो उससे मिल ले। जोनाथन जब इस मैसेज को पढ़ता है तो उसे ये बात समझ में आई कि हो ना हो ये लड़की वाइट को जरूर जानती है, तभी वो उसे इस तरह से रिक्वेस्ट कर रही है, तो उसने डिसाइड किया कि वो उस लड़की से मिलने के लिए जाएगा। रात में वो जब लड़की के रूम में पहुंचा तो वो उसे देखते ही पहचान लेती है कि वो वाइट नहीं है, जिस पर जोनाथन ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है कि वो वाइट के बारे में कुछ जानकारी उसके साथ शेयर कर सकती है। उस लड़की ने उसे बताया है कि वो वाइट नाम के किसी भी बंदे को नहीं जानती, बल्कि उसने तो जेमी नाम के बंदे को मैसेज किया था। जोनाथन को समझ में आ गया कि वाइट उसका रियल नेम नहीं है, उसका रियल नेम जेमी है। ये जानने के बाद वो वहां से चला जाता है और घर जाकर के उसने जब जेमी के बारे में गूगल किया तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि जेमी एक क्रिमिनल है और इस तरह के फ्रॉड वो पहले भी कर चुका है। उसी दिन उसे पुलिस का कॉल आता है जहाँ पर ऑफिसर उसे बताती है कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है जिसका हुलिया ठीक वैसा ही है जैसा जोनाथन ने बताया था, तो वो शिनाख्त करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाए। जोनाथन जब ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। डेड बॉडी को देखने पर उसे पता चला कि ये जेरी तो नहीं है, पर ये वही लड़की थी जिससे जोनाथन पहली बार मिला था और उसकी हत्या किसी चीज की हेल्प से उसके गले को कर की गई थी। जोनाथन को देख के समझ में आ जाता है कि ये एक बहुत ही पतली सी चीज है, तो वो घर जा करके अपना रैकेट चेक करता है और यहाँ पर जो उसने सोचा वही निकला, उसका रैकेट मिसिंग था। पर उसकी जगह पर उसे जोनाथन और उस लड़की के साथ में कई सारी पिक्चर्स दिखती है। ये देखकर जोनाथन काफी डर गया क्योंकि उनके साथ में पिक्चर है और ऐसे में पुलिस को अगर ये पिक्चर्स मिल गई तो उनका सीधा शक जोनाथन पर जाएगा। इन सभी चीजों से परेशान जोनाथन जब मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था कि तभी पीछे से उसके सामने वाइट आता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहते और नहीं चाहते हो कि एस का भी ऐसा ही हाल हो तो जैसा मैंने बोला है वैसा कर देना। तो मंडे को जोनाथन जब ऑफिस पहुंचता है कि तभी वहां पर उसे एक पार्सल रिसीव हुआ। ये पार्सल उसे जेमी ने भेजा था और पार्सल के अंदर उन सभी अकाउंट की डिटेल थी जिन अकाउंट से उसे पैसा निकाल करके उसके ही नाम के, जी हाँ जोनाथन के नाम का एक नया अकाउंट बनाना है और उसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। वाइट चाहता था कि अगर कल को इस चीज पर कोई मैटर उठे तो सारा का सारा दोष जोनाथन पर चला जाए, तभी उसने जोनाथन के नाम पर ये अकाउंट बनवाया है, पर उसने फोटो और साइन अपने ही लगवाया थे। जोनाथन यहाँ पर बहुत ज्यादा असमंजस में था कि वो ये सब कुछ करे या नहीं, कि तभी उसके फोन में जेरी की एक फोटो रिसीव होती है जिसे देखते ही वो तुरंत ही ये काम करने में लग जाता है। कुछ देर के बाद उसने सारे पैसे उसी फेक वाले जोनाथन के अकाउंट में डाल दिए और फिर उसे जेरी की एक और फोटो रिसीव होती है। यहाँ पर वाइट ने उसे टेक्स्ट करके बताया कि जेरी तुम्हारे घर पर तुम्हारा वेट कर रही है। जोनाथन भी ज्यादा देर न करते हुए तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल जाता है और जैसे ही उसे अपने अपार्टमेंट का डोर खोला
वैसे ही एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जोनाथन उसी में मारा जाता है। दूसरी तरफ हम व्हाइट को देख पाते हैं जो दूसरी कंट्री में पहुंच चुका है और यहाँ पर शॉकिंगली जेरी भी उसके साथ मिली हुई थी। मतलब दोस्तों ये सब कुछ इन दोनों का प्लान था। यहाँ पर जेरी उससे पूछती है कि जोनाथन का क्या हुआ। व्हाइट ने इसका रिप्लाई देते हुए उससे कहा कि जोनाथन हमारे बारे में काफी कुछ जान चुका था तो उसका रास्ते से हटना हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने उसे मार दिया है। ये बात सुनकर जेरी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये काफी समय के बाद था जब उसे किसी के साथ अट्रैक्शन फील हुआ था और वो सच में कहीं ना कहीं जोनाथन से प्यार भी करने लगी थी। उसके इस अपसेट मूड को देखकर व्हाइट को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तो वो उसे साथ में डांस करने के लिए बोलता है और यहाँ पर एक बार फिर से वो लोग वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब वो दोनों बैंक जाते हैं पैसे निकालने के लिए तो यहाँ पर जो बैंक के रिसेप्शनिस्ट होती है वो जेरी को वहीं पर रोक लेती है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस के लिए सिर्फ अकाउंट होल्डर ही अंदर जा सकता था। पर अंदर जाकर के व्हाइट को पता चला कि ये अकाउंट तो ज्वाइंट अकाउंट है और इसका जो दूसरा होल्डर है उसका यहाँ पर होना जरूरी है वरना उसके बिना ये पैसे नहीं निकाल सकते। ये सुनकर व्हाइट समझ जाता है कि जोनाथन अभी तक मरा नहीं है और जैसे ही वो बाहर आता है यहाँ पर जेरी भी गायब थी। एक ही पल में व्हाइट का सब कुछ छिन चुका था और बाहर आकर के वो परेशान खड़ा था कि तभी उसे जोनाथन का कॉल आता है। यहाँ पर जोनाथन ने उसे मिलने के लिए बुलाया और वो उसे बताता है कि पैसों का आधा हिस्सा उससे भी चाहिए वरना वो ना ही एस को वापस करेगा और ना ही उसे कोई पैसे निकालने देगा। व्हाइट बेचारा जो इतना परेशान है वो तुरंत ही आधे पैसे देने के लिए मान जाता है पर व्हाइट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार जोनाथन बचा कैसे। जिस पर जोनाथन ने उसे बताया कि उसने सब कुछ ठीक किया बस एक गलती कर दी। उसने जब जेरी की फोटो भेजी थी तो उसके पीछे वाली वॉल में लीकेज था। जो लीकेज तो तब हुआ करता था जब वो जेरी से मिला भी नहीं था, उसके बाद तो उसने अपना लीकेज ठीक करवा लिया था। मतलब ये फोटो जेरी से मिलने के पहले क्लिक की गई थी जिसे देख करके उसे समझ में आ जाता है कि इस चीज में जेरी भी इंक्लूड है। तभी वो अपने सारे कदम फूक फूक कर रखता है और यही रीजन है कि आज वो यहाँ पर खड़ा है। खैर अब व्हाइट के पास कोई ऑप्शन तो है नहीं तो वो उसकी बात मान करके उसे बैंक में ले जाता है और यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने के बाद उन्हें उनके आधे आधे पैसे मिल जाते हैं। बाहर निकल करके व्हाइट उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे और भी पैसे दे देगा बस वो एस को सही सलामत लौटा दे। इस पर जोनाथन भी मान जाता है और वो दोनों पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थोड़ा सा अलग लोगों से दूर सुनसान जगह पर जाने लगते हैं। पर यहाँ पर व्हाइट का इरादा तो कुछ और ही था। वो उसे गन पॉइंट करके उसे सारे से वापस देने के लिए बोलता है पर इतने में ही पीछे से व्हाइट को किसी ने शूट कर दिया। हम देख पाते हैं कि कोई और नहीं जेरी ही थी। उसके मरने के बाद जोनाथन को आइडिया आता है कि जब यहाँ पर व्हाइट ने अपनी सारी आइडेंटिटी जोनाथन के नाम से ही बना ली है तो क्यों ना यहाँ पर इस फेक वाले जोनाथन के थ्रू असली वाले जोनाथन को मार दिया जाए। तो पुलिस जो कि जोनाथन को ढूंढ रही है तो वो केस भी क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर असली वाला जोनाथन सारे पैसों को लेकर ऐश करेगा। तो वो व्हाइट को वहीं पर छोड़ देता है जिसके पास जोनाथन के नाम का पासपोर्ट था। मतलब व्हाइट ने फेक आइडेंटिटी बनाने के लिए जो जोनाथन का पासपोर्ट बनाया था वो उसे वहीं पर छोड़ देता है और पैसे लेकर वहां से चला जाता है। जोनाथन जेरी को रोकने की कोशिश करता है, वो उससे बात करना चाहता था, उससे प्यार करता है, पर जेरी अपने किए पर इतना ज्यादा शर्मिंदा थी कि वो उससे आंख भी नहीं मिला पा रही थी तो वो उसे सब चीजों के लिए मना करके वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जब पुलिस को पता चला कि जोनाथन की डेथ हो गई है तो उन्होंने भी इस केस को यहीं पर क्लोज कर दिया। जिसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मूवी के एंडिंग में हम देख पाते हैं एक तरफ जोनाथन और दूसरी तरफ जेरी जो कि एक दूसरी कंट्री में एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं और एक दूसरे को देखते ही इनका जो प्यार था वो एक बार फिर से जाग जाता है। तो ये लोग एक दूसरे के साथ रहने का डिसीजन ले लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे दूसरे चैनल को भी एक बार विजिट कर लीजिए, सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर लेंगे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।